देखो भाई प्रेशर नहीं था बिल्कुल, स्टार्टिंग से हम खेल रहे थे अपना मैच खेल रहे थे, और लास्ट में ये जब मोनू ने वो ढाई लगाए, दो पॉइंट गए, थोड़ा उधर से नहीं, वो दो पॉइंट जाते शायद हम जीत भी सकते थे। मोमेंटो ऐसा चल रहा था कि हमारे उनकी थर्ड में हमारे चार फोर में या फाइव में आ रही थी, तो हमारी लीड थी बरकरार, तो वो पॉइंट नहीं जाते तो शायद हम जीत जाते। देखो बोनस में राइडर का बेनिफिट होता है, अगर छः सात हो जाए बोनस होती है, बोनस के बाद हटने के बाद राइडर का इतना बेनिफिट नहीं होता जितना डिफेंस का होता है, तो मेरे को लग रहा है पटना वाले इक्वल के लिए खेल लेते, दो रेड शेप मारी, अगर वो ट्राई लेता तो हम 100% कैच की कोशिश करते, कैच हो जाती तो मैच विन हो जाता है, अगर पॉइंट चला जाता तो पटना विन हो जाती, यही था। देखो ये कोच साहब की प्लानिंग थी, जो प्लानिंग से कोच साहब खिला रहे हैं उन्हीं की प्लानिंग थी, और जो भरत को काम सौंपा था लास्ट मोमेंट में उसने अपना अच्छे से किया और पॉइंट लिया और स्कोर इक्वल किया, और प्लानिंग मैच टू मैच प्लानिंग कर रहे हैं कोच साहब, तो उस हिसाब से टीम खेल रही है हमारी, अभी कंटिन्यू नहीं है या मैं हरण सिंह हुआ कंटिन्यू यही प्लेयर खेलेंगे जिस टीम से साथ जैसे मैच है उस हिसाब से हमारी टीम खेलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो अभी गलती कर रहे हैं वो गलती नहीं होनी चाहिए हमारे से, खासकर मैं सीनियर हूँ, मेरे से मिस्टेक हो गई है ज़्यादा, इसलिए हम मैच टाई खेल गए, वरना तो हम 100% जीते, आगे हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बाकी हम अभी तक हमने आस नहीं छोड़ी है, जब तक दम है लड़ेंगे जरूर। नहीं देखिए वो जो स्टार्टिंग का जो मैच था वो बड़ा बराबर चल रहा था, अप डाउन, और जो मिस्टेक हुई है हमारा जिस तरह राइट कॉर्नर से और कवर से लेफ्ट साइड से रेडर वो अभी बोनस ले जाए टचिंग से, वहाँ से मिस्टेक होने के कारण में ये मैच इतना टाइट चलता रहा, लास्ट मोमेंट में अभी हमारे हाथ में भी आ गया था वही फिर लेफ्ट के से फिर बोनस लग गया था, ये अभी फिर लास्ट में कृष्ण के फिर टच लग गया, तो इसमें से हमने यही सोचा कि भी ट्राई करने का कोई है ही नहीं, अभी टाई में ही फायदा है, हमारे को तीन पॉइंट मिल रहे हैं, तो खुशी तो नहीं है जैसे कि आपने बोला कि भाई क्या टाई से खुश नहीं है, लेकिन एक लास्ट मोमेंट में भाई ज़्यादा सिचुएशन के कारण में तो टाई में ही फायदा लगा, मैं इसलिए हमने टाई में ही रखी। देखिए काफ़ी अच्छा लगा जो टीम हमारी होम ग्राउंड में खेली है, चारों मैच दो टाई रहे हैं और दो विन किए, काफ़ी अच्छा डिफेंस खेला है और हमारे रेडर भी काफ़ी अच्छा खेला, रुक के मैच खेले हैं, तो इससे हमारे जो जो क्राउड था जो पटना पायरेट्स के फैन थे उनका भी मतलब उनको भी खुशी होगी और उनको सपोर्ट दिया उनको भी बहुत। देखिए जब हम इधर आए थे तो ये जैसे हमारा होम लेग है तो सपोर्ट तो हमी को मिलेगा, उससे मोटिवेशन अप लेवल अप होता है, और जैसे कोच साहब ने मेरे को शुरू में ही बोल दिया था कि तेरी शुरू में कैच भी हो जाती है एक दो तीन कोई बात नहीं, तो फिर से जा अपना 100% ट्राई कर, तो मैंने जैसे 100% ट्राई किया तो आज मेरा सुपर 10 भी हुआ टीम के लिए, मैं अच्छा खेला, लेकिन वही था मैं जीत चाहिए थी, लेकिन अगर हार जाते तो गलत हो जाता, तो कोच साहब ने लास्ट में बोला कि कोई बात नहीं टाई पे ही मैच खेल लो, उसे तीन पॉइंट मिल जाएंगे।